हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो मेरे पास कमेंट आया था संजय कुमार का कि उन्हें क्रो का फेस मास्क बनवाना है। तो यहाँ पर मैं क्रो का फेस मास्क बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ब्लैक पेपर लिया है। हम क्रो को कौआ भी बोलते हैं। तो मैंने ब्लैक पेपर लिया है और उस पर पहले शेप ड्रॉ कर लिया है, और मैं इस तरीके से उन्हें कट कर रही हूँ ताकि ये दोनों साइड से बराबर कट हो जाए। हम पेपर को फोल्ड करके कट करते हैं तो वह दोनों साइड से एक जैसा कट होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं लूँगी वाइट पेपर, जिससे मैं इसकी आइज़ बनाऊँगी। तो मुझे वाइट पेपर से दो बड़े बड़े सर्कल कट कर लेना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल कट करूँगी। आप किसी चीज़ की सहायता से सर्कल ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से दो सर्कल लेना है। क्रो की जो आइज़ होती है वो बहुत ही इजी होती है, क्योंकि वो गोल होती है, तो ज़्यादा हमें उसे बनाने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ मैंने दो सर्कल ले लिए है। इसके बाद मैं लूँगी ब्लू पेपर, जो मैंने व्हाइट कलर के सर्कल लिए हैं उनसे थोड़े छोटे ब्लू कलर के सर्कल कट करूँगी। तो हम इस तरीके से व्हाइट के ऊपर ब्लू कलर लगाएंगे। देन इसके बाद मैं दो ब्लैक कलर के सर्कल लूँगी और छोटे छोटे दो व्हाइट सर्कल। तो मेरी आईज़ का सारा मटेरियल कंप्लीट हो गया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर इसकी चोंच बनाने के लिए पेपर ले रही हूँ। चोंच को इंग्लिश में बीक कहते हैं। तो फिर अब मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें इसे कट करने में आसानी हो, और हम इसी तरीके से इसे कट कर लेंगे। मैंने और भी वीडियो में जो वर्ल्ड का फेस मास्क बनाया है उसमें भी कई अलग अलग तरीके की चोंच बनाई है। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का पेपर, क्योंकि मुझे इसकी आईब्रो बनानी है और मैं इसकी आईब्रो कुछ अलग बनाने का सोच रही हूँ। तो यहाँ मैंने पहले पेंसिल ली है ताकि मैं इसको ड्रॉ कर लूँ और फिर काटने में इसे आसानी होगी। मैं दोनों आईब्रो को एक साथ में कट कर लूँगी तो दोनों बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसकी आईब्रो सिंपल सी बनाती तो मेरे बाकी जो फेस मास्क के वर्ड के वैसे ही लगता है ये भी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आईब्रो इसकी अलग की जाए जिसके कारण ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी दोनों आईब्रो को कट कर लिया है। मैंने सब कुछ कट कर लिया है। तो अब मैं लूँगी यहाँ पर फेविकोल, और फेविकोल की हेल्प से मैंने इन्हें जैसे रखे हैं वैसे ही पेस्ट करते जाऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपके पास ऐसी और भी वीडियो आती रहे। और अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मेरी किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं सबकी कमेंट देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ पेस्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें मार्कर की हेल्प से इसे और सुंदर बना रही हूँ। तो मैं इस तरीके से इसकी नाक बना लूँगी। अब मैं यहाँ पर लूँगी ब्लैक पेपर, जिससे मैं इसके पंख बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी पत्तियाँ बनाऊँगी। तो मुझे इस तरीके से पत्तियाँ बनानी है। हमें दोनों साइड से इस तरीके से इसे कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने दोनों पत्तियों को एक साथ कट कर लिया था तो मेरी दो पत्तियाँ रेडी हो गई थी। और इसी तरीके की मैंने टोटल 11 पत्तियाँ बनाई हैं। और हमें इन सभी पत्तियों को इस तरीके से पेस्ट कर लेना है, जिससे और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो मैं सबसे पहले इसके टॉप पर 3 पत्तियाँ ले रही हूँ, जिसे हम पंख भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पंख लगाए हैं। इसके बाद अब मैं दो दो पंख साइड में लगाऊंगी।
दोनों साइड में यहाँ पर दो दो पंख लगा दूंगी। देन इसके बाद मैं यहाँ पर दोनों साइड एक एक पंख लगाऊंगी, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा हैवी भी नहीं दिखाना है, नॉर्मल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चारों पंख लगा दिए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्रो का फेस मास्क कितना अच्छा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।